वाटर इज अ सॉल्वेंट, द मोस्ट एफिशिएंट सॉल्वेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे कीमती सॉल्वेंट जो सबसे ज्यादा सब्सटेंस इसको डिजर्व करता है वो है वाटर, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। इसकी दो वजूहत है, नंबर एक इनपोलरिटी, जब हम इसमें एक सब्सटेंस डालते हैं, सपोज हमने इन्हें सीएल डाला तो उसके ये पोल्स बनाता है, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, और फिर उसके इधर ऑक्सीजन वाला साइड जो है वो नेगेटिव हो जाता है और वो सोडियम पॉजिटिव के इर्द-गिर्द हो जाता है, इस तरह हाइड्रोजन वाला साइड जो पॉजिटिव होता है वो सीएल नेगेटिव के इर्द-गिर्द हो जाता है और इनको सेपरेट रखता है, फिर आपस में जुड़ने नहीं देता, इस तरह ये डिजॉल्व फॉर्म में रह जाता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कूलम्स लॉ के मुताबिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स जो है वो चार्जेस को डायरेक्ट रिलेशन में है और जो रेडियस है यानी फासला है चार्जेस के बीच में उसके साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हम क्या करते हैं, इक्विलिटी और एक कांस्टेंट में कन्वर्ट करते हैं, वो कांस्टेंट 1/4πε0 है जो कि इक्वल है 1/d के, यानी 4πε0 को d के साथ रिप्लेस करते हैं और फिर इक्वेशन इस तरह बन जाता है। इस d को कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन को देखें तो पता चलता है कि जितनी d की वैल्यू ज्यादा होगी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो सॉल्वेंट है उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कम होता है और जो सॉल्यूट है उसके साथ ज्यादा हो जाता है। अगर ये आपस में ज्यादा होता तो फिर सॉल्युबिलिटी नहीं होती। अब हमने देखा है कि वाटर का एडी है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका ज्यादा है तो आपस में इनका रिलेशन इतना ज्यादा नहीं है और जो बाहर के मॉलिक्यूल है यानी सॉल्यूट है उसके साथ उसका इंटरेक्शन ज्यादा है, इस तरह ये डिजॉल्व फॉर्म में रहता है और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है।